हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए आज के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ डीपी श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व राजदूत। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज हैं जेएनयू से, प्रभु दयाल पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं, और योगेश गुप्ता जी पूर्व राजदूत भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले योगेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज जो सत्र शुरू हो रहा है, इससे हम क्या उम्मीदें करें, किस तरीके एक आम राय बनते हुए देखें, क्योंकि ये बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि जो G20 का मंच है वो आपसी विवाद सुलझाने के लिए नहीं है और ना ही इन विवादों को तूल देने के लिए, बल्कि ये सब मिलकर के पृथ्वी को एक करने के लिए, हमारी पूरी एक फैमिली को एक करने के लिए और फ्यूचर एक करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उस पर चर्चा करने का, मंथन करने का मंच है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश है जिनकी एक सोच है कि भाई यूक्रेन वॉर है, उसके एक सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ रूस है, रूस का सोच ये है कि भाई जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई ये एक इकोनॉमिक फोरम है तो पॉलिटिकल इश्यूज को जो है इससे अलग रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो पहले मीटिंग्स हुई है G20 की, उसमें इन मुद्दों पे चर्चा हुई है, लेकिन उसके बाद से जो है अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो काफी खराब हो गई है, खासतौर से अमेरिका और चीन के रिश्ते जो है वो काफी खराब हो गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें बाली में तो कंसेंसस बन गई थी, तो बाली के बाद से जो है प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्तों में बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन्स हो गई हैं। तो वो एक रियलिस्टिक सिचुएशन है जिसको हमें फेस करना पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए जो है कोशिश रहेगी हमारी कि जैसे वो कोऑर्डिनेटर ने कहा, शेरपा ने कहा, कल फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि भाई हम एक कंसेंसस लैंग्वेज लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक वाली बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा बिल्कुल तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे में बात को आगे बढ़ाते हैं। गुप्ता जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। डीपी श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत हैं। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल जो शेरपा हैं इसके अमिताभ कांत, उन्होंने कहा लगभग एक तरह से साझा घोषणा पत्र न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन तैयार है, उसमें ग्लोबल साउथ का जिक्र किया। ये एक ऐसी टर्म है जिसको अब कुछ ही दिनों से हम ज्यादा सुन रहे हैं। ग्लोबल साउथ हम एक तरह से ये मान सकते हैं क्या कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी आवाज भारत बनना चाहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अफ्रीका यूनियन को इसमें शामिल करने की बात की जिसमें 54 देश अपने आप में आते हैं। तो क्या ये ग्लोबल साउथ की वकालत ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है आज के परिदृश्य में, जिस तरह से आर्थिक हालात से दुनिया जूझ रही है, खासतौर से रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद? जो ग्लोबल साउथ जो कहा जाता है, ये इस फ्रेज में दुनिया के करीब 3/4 और 2/3 मुल्क हैं, तो उनको छोड़ के तो आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप है करीब 193, उसमें से आप समझिए 120 के ऊपर होंगे ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ जनसंख्या के हिसाब से भी तो और ज्यादा होगा, और जो इकोनॉमिक डिमांड जनरेट होती है उसमें भी ग्लोबल साउथ का बड़ा हिस्सा है, तो इसको साथ लेके चलना जरूरी है। और ये भारत की डिप्लोमेसी का अंग हमेशा शुरू से रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको और आगे तेजी से बढ़ाया है, और ग्लोबल साउथ के इन मुल्कों के प्रेजेंस के बिना G20 के निर्णय, अलग से निर्णय लेने का कोई खास उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो ये बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री ने लिया है जी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। जो बात बार बार कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि G20 भारत में जो हो रहा है उसका एक तरह से मोटो भी है, और दूसरी बात जिस बात पर पीएम मोदी बार बार जोर देते हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर,
उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की कंसेंसस आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों सूत्र वाक्य हैं एक तरह से G20 को एक नए आयाम में लेकर जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक 20 देशों के आपसी सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि एक भविष्य कैसे साझा रूप में मिलकर तय कर सकते हैं दुनिया का, उसका भी मंथन करने का मंच बन रहा है। देखिए, दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही और वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की। देखिए, इसमें दो तीन टाइमिंग जो G20 हो रहा है इसका बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, खासकर चैलेंजिंग है जब वर्ल्ड अलाइनमेंट और री अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि एक वैकल्पिक डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, चाइना जो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है जो उसको चैलेंज कर रहा है एक वैकल्पिक डिस्कोर्स क्रिएट करके और अपना अपने आप को अलाइन कर रहा है डिफरेंट रॉग स्टेट से। वही अमेरिका बेसिकली चाइना का जो एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक वैकल्पिक वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है कि हम कनेक्ट करेंगे यूरोप को, मिडिल ईस्ट को, पूरे वर्ल्ड को। दूसरा एक जो डिस्कोर्स चल रहा है जो ग्लोबल साउथ की आपने बात कही, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ भी एक तरीके से जो अभी तक एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजी है उसको चैलेंज कर रहा है, उसको उसका एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स कर रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है वो ग्लोबल नॉर्थ से अलग है और ग्लोबल साउथ के जो मुद्दे हैं वो अलग है। और उसमें भारत जो कह रहा है कि सारी दुनिया को एक समझिए, आप डिवाइड मत कीजिए, आप ग्लोबल कॉमन्स के इश्यूज हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है, बाकी सी लेन कम्युनिकेशन है, जो उनको आप डिवाइड मत कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर कीजिए, क्लाइमेट जस्टिस की बात कीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जो अगेन मैं कहूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात आ रही है कि जो ग्लोबल गुड्स है, यानी कि जो ग्लोबल साउथ के बड़े इश्यूज हैं जिसमें हेल्थ इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, बहुत सारे जो मलन्यूट्रिशन है, बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनका उनपे हमको स्पेंड करने की जरूरत है। और हमको ग्लोबल नॉर्थ की तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट में आप सपोर्ट कीजिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कीजिए, बाकी जो जो आप जो डेवलपमेंटल असिस्टेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ बढ़ाइए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि जिस तरीके से अमेरिकन डिस्कोर्स को चैलेंज किया जा रहा है आज के दिन चाइना और रशिया के माध्यम से, अमेरिका ग्लोबल साउथ के कंसर्न को समझते हुए आज अभी अनाउंस किया कि भी $200 बिलियन हम स्पेंड करेंगे ग्लोबल साउथ के कंसर्न को, जो जो उनके ग्लोबल गुड्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि अमेरिका लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ग्लोबल साउथ के कंसर्न को का समाधान की बात कर रहे हैं। तो ये मोटी जो डिबेट है, अब इसमें सवाल आता है। बिल्कुल भारद्वाज जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल साउथ इतना महत्वपूर्ण एक तरह से बन जाएगा कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। प्रभुदयाल सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी तक मोटे तौर पर G20 को एक आर्थिक प्लेटफॉर्म माना जाता है फाइनेंशियल और वित्तीय नीतियों के लिए, जरूरतों के लिए, और ये देखना होगा कि किस तरह से जो विकसित देश है पर्यावरण क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेकिन आप कितना राहत या आप कितनी राशि आप दे सकते हैं इन देशों को? एशियन डेवलपमेंट बैंक को जिस तरह से इसमें शामिल किया गया है, वर्ल्ड बैंक तो पहले से ही इस सब में है और भारत के इनिशिएटिव पर एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ गया है, क्या है आपका आंकलन सर, वित्तीय आधार पर कितना मजबूत स्थिति पे आ जाते हैं या कितना फायदा मिल सकता है इन तमाम देशों को जिनको जरूरत है आर्थिक मदद की? देखिए, इस बात को तो अच्छी तरह से सब समझ रहे हैं कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं और इन ग्लोबल चैलेंजेस का अगर सामना करना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को और देशों को साथ में लेकर चलना है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को दोहराते रहे हैं वो ये है सबका साथ सबका विकास, और ये खासतौर पे इसलिए जरूरी हो जाती है कि दुनिया इस वक्त तितर बितर होके हुई, अलग अलग गुटों में बटी हुई है और एक दूसरे का साथ देना तो दूर, एक दूसरे से टकराव हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इस बात को दोहराते रहे हैं कि
भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी उसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम, और सबको ये बात समझनी चाहिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्योंकि बिना एक साथ काम करे जो ये समस्याएं हैं इनसे हम नहीं निपट सकते। अब कुछ देर पहले मेरे फेलो पैनलिस्ट ने चाइना के जिक्र किया, लेकिन चाइना की जो पॉलिसी रही है वो बिल्कुल इसके विपरीत रही। चाइना नहीं समझता कि सब जो देश है उनको साथ लेकर चलना है, चाइना चाहता है कि सब देशों पे किसी न किसी तरह से अपना दबदबा बनाए। चाइना की पॉलिसी जो वो शी जिनपिंग ने अडॉप्ट की हुई है वो बिल्कुल विपरीत है प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसी से। और मेरा मानना है कि अगर शी जिनपिंग यहां आते G20 समिट में तो वो खुद देखते कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कितनी वाहवाह हो रही है, कितनी तारीफ हो रही है इस बात के लिए कि उन्होंने G20 को जो एक नया सा स्वरूप दिया है उसको कितनी अच्छी तरह से लोग समझ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा प्रभुदयाल जी, क्योंकि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला भारत मंडपम में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद उनकी मेजबानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, और पृष्ठभूमि में निधि जो कोणार्क चक्र दिख रहा है इसके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा कि आप पीएम मोदी के पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कोणार्क चक्र और इसके बारे में जो है उसका सूर्य मंदिर का है, और इसके बारे में जो बताया गया कि 13वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था, और ये जो सतत परिवर्तन है उसका चिन्ह है, और भारत का जो जीवंत लोकतंत्र है उसको भी सिम्बोलाइज करता है ये चक्र, जिसको कि हम कहते हैं काल चक्र भी, जिसमें कि 24 क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और जो भारत मैनेजिंग डायरेक्टर उसमें भी इसको चिन्हित किया गया है। तो ये एक सिंबोलिज्म जो है भारत के जीवंत लोकतंत्र का वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तमाम वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। अखिलेश, जो मैं भी इस जनवरी में जाने का मौका मिला था पुरी में, जिस तरह से ये सिचुएटेड है कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जो है उसका ये चक्र है, सूरज का रथ है ये और उसकी ये व्हील्स है और वो यहाँ पे बनाया गया है। तो हमारे स्कूल बुक्स में जब हम बचपन में थे एनसीईआरटी की किताबों में ये होता था और होता भी है अभी, तो ये अपने आप में जिस तरह से इसकी अहमियत आपने समझाई वो अपने आप में हमारे देश के तमाम राज्यों के कुछ चिन्हों को यहाँ पर लगाया गया है भारत मंडपम में, जिससे कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग हैं वो आए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आए और समझे हमारी सांस्कृतिक विरासत को। एक दूसरी बात जो है ये बताया गया है सरकार की ओर से कि ये जो पूरा आयोजन हो रहा है इसका बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है, इसमें सबको समान रूप से जो है ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि आज जब डिनर के लिए सारे मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री आएंगे तो सबसे पहले हिज एक्सीलेंसी संसद भवन में एकत्रित होने के लिए कहा गया है, और वहां से वो इकट्ठे होकर ट्रांसपोर्ट के जरिए यहां पहुंचेंगे, कोई भी जो काफिला है उसके जरिए यहां पर भारत मंडपम में नहीं पहुंचेगा। और दूसरी बात यह कि कुछ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही थी छात्रों को लेकर, बच्चों को लेकर जो तमाम विदेशी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी स्पष्ट किया गया है कि ये सारे स्कूली बच्चों ने अपने मन से पूरा जी जान लगा करके कार्यक्रम तैयार किया है ताकि जो विदेशी मेहमान आए हैं उनका स्वागत किया जा सके, और इसको लेकर के जो टीका टिप्पणियां की जा रही हैं ये उचित नहीं है। उमा शंकर सिंह के पास चल सकते हैं, कादमनी भी उनके साथ बनी हुई है। उमा, तमाम जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोणार्क चक्र के पृष्ठभूमि में सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, सारे जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं सबके ध्वज यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक बात जो देखने में आ रही है कि जो पूरा इसका परिवेश तैयार किया गया है, चाहे नाम रखना हो भारत मंडपम या जो भारत की सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है उनको जिस तरह से प्रदर्शित किया गया है विदेशी मेहमानों के सामने और उनके जरिए पूरी दुनिया के सामने, इसके पीछे तो बहुत लंबी सोच होगी, और वो सोच क्या है उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि G20 की अध्यक्षता जब भारत को मिली उसके बाद से जिस तरीके से इसका आयोजन जो है वो न सिर्फ दिल्ली में तो शिखर बैठक हो रही है, कई और बैठकें भी हुई, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में, देश के तकरीबन 60 शहरों में बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और वहाँ जो बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा था तो उस जगह से, वहाँ के परिवेश से, वहाँ की संस्कृति से तमाम विदेशी जो मेहमान थे वो वाकिफ हो रहे थे। तो जो डोमेस्टिकली जिस तरीके से इसका आयोजन किया गया और जैसे भारतीय लोक कला, लोक संस्कृति और
अलग अलग क्षेत्र से जो विरासत है उससे इसको जोड़ा गया, उसी का एक प्रतिदर्शन जो है वो इस शिखर सम्मेलन के दौरान भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक इंक्लूसिव तरह का और पूरे देश से जो भी जो कलाकृतियाँ हैं या जो संस्कृति है उसकी झलक जो है यहाँ पर पेश की गई है, और इसके ज़रिए जो वन फैमिली की जो बात होती है उसको और ज़्यादा बड़े रूप में प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते रहे हैं और पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखते हैं। तभी जो तीन सेशंस रखे गए हैं, जो कि पहला सेशन होगा जिसकी हम बात कर रहे थे वो अर्थ होगा, दूसरा जो है वन फैमिली होगा, और उसके बाद वन फ्यूचर जो सत्र है वो कल होगा। तो वन फैमिली जो सत्र है उस जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक ये G20 के दायरे को और कैसे बढ़ाया जाए, जैसा कि हमने अभी बात की यूरोपीय जो अफ्रीकन यूनियन है उसको शामिल करने को लेकर तमाम देश रजामंदी दे रहे हैं और उसको लेकर एक जो औपचारिक जो एक फैसला है वो आ सकता है। तो ये परिवार को बड़ा करने की बात, फैमिली को बड़ा करने की बात, पूरी दुनिया को एक नज़र से देखने की बात और एकजुट देखने की बात जो है, यही भारत की जो ये का जो ये आयोजन है उसकी एक मूल भावना है, और इसकी तारीफ जो है वो कल जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि एक ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया बंटी हुई है, जब तनाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत ने सबको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है और ये काबिले तारीफ है। तो काफ़ी भारत को इस वजह से एक तवज्जो मिला है जिस तरीके से पूरे आयोजन को किया गया है, और जो बाइडन जब मिले कल प्रधानमंत्री मोदी से तो उन्होंने सराहना की, और ये बात पहले ही कह दी गई थी व्हाइट हाउस की तरफ से जब बयान आया था कि प्रधानमंत्री मोदी से जब राष्ट्रपति जो बाइडन मिलेंगे तो जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया गया है उसकी सराहना करेंगे। तो भारत ने अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है दुनिया के लेवल पर, क्योंकि अलग अलग देशों में G20 बैठकें होती रही है जो कि एक सरकारी एक कार्यक्रम के तहत के तरीके की होती रही है, लेकिन यहाँ उसको लोगों से जोड़ने की कोशिश की गई है और टॉक ऑफ द स्मॉल टाउन इसको बना दिया गया, और इसका जो व्यापक परिदृश्य जो वैश्विक परिदृश्य में इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों से आ रही तारीफों के रूप में। अखिलेश जी, प्रभुदयाल जी से हम बात कर रहे थे वो तस्वीरें दिखाने से पहले, प्रभुदयाल जी आपका दोबारा आना चाहूंगा। जो बात अभी हम कह रहे हैं कि भारत के सांस्कृतिक विरासत उसको पूरी दुनिया के सामने रखना, वैसे तो भारत में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जो G20 सम्मेलन हम कर रहे हैं इसकी हमारे लिए क्या महत्ता है, क्योंकि जो हमारे भारत के जो आम लोग हैं वो इसको किस दृष्टि से देखें, क्या ये वैश्विक मंच पर भारत के आगमन की एक आवाज़ है और एक शंखनाद है उसको आप कह सकते हैं, या हमारे जो दूसरे देशों से रिश्ते हैं उनको बढ़ाने में ये काफ़ी जो है सहायक साबित हो सकता है। जब मैं पहले आपसे बात कर रहा था तब मैं इस चीज पे जोर दे रहा था कि किस तरह से भारत की जो नीति है वो चीन से कितनी फर्क है। सबसे अहम जो मुद्दा है और जो मुश्किल है जो डेवलपिंग कंट्रीज या ग्लोबल साउथ के सामने है वो कर्ज का मुद्दा, और भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बहुत जरूरत है। देखिए बहुत से ऐसे देश हैं जैसे श्रीलंका, सूडान, ये चीन के कर्ज में डूबते गए हैं और अब इतनी मुश्किल हालत से उनके सामने है कि उनकी सहायता करना बहुत जरूरी है। आप उस बात पे जोर दे रहे थे कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह को क्यों शामिल किया गया है, ये सवाल पूछ रहे थे। उनको इसलिए शामिल किया गया कि उनकी सहायता ली जा सके, उनके साथ सलाह मशवरा की जा सके कि किस तरह से ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के डेट को रिस्ट्रक्चर किया जा सके और उनको कर्ज से बाहर निकाला जा सके। देखिए मैं आपको ये बात इसमें बात याद दिलाना चाहता हूं कि भारत ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में शिरकत की थी जिसको कहते हैं ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 प्रेसिडेंट ने साथ साथ की थी, और वो इसलिए क्योंकि जब तक डेवलपिंग कंट्रीज या ग्लोबल साउथ को कर्ज से नहीं निकाल सकते वो आगे कैसे बढ़ सकते। तो मेरा मानना है कि भारत इस बात पे बड़ा जोर दे रहा है और अपनी सभ्यता पे, अपने कल्चर पे, इन सबको तो लोगों दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि हम किस तरह से दूसरे देशों की सहायता करने के लिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने प्रभुदयाल सर कि किस तरह से हमारी नीति चीन से अलग है। डीपी श्रीवास्तव सर, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या ये तो वैसे एक वित्तीय हालात और समीक्षा का ये एक पटल है जो G20 कहा जाता है, क्लाइमेट चेंज बात की जाती है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट भी किया जाता है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और जिस तरह से
चीन की जो नीति रही है, चाहे भले ही अफ्रीका की बात कर दें, हम मॉरिशस की बात कर लें, डेट ट्रांसफर की बात कर लें, जिस तरह से मुश्किलें आती हैं इन छोटे देशों पर और उनकी जमीन ले ली जाती है, हम भी अपने पड़ोसी जो मुल्क है उससे काफी परेशान है, क्या ये परसेप्शन भी क्रिएट करेगा, एक संकेत भी देगा चाइना को और पूरे विश्व को कि भारत कूटनीतिक के लिहाज से भी किस तरह से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि आप एक तरफ से डेट देते हैं, ऋण देते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा देश उसको वापस नहीं कर पाता तो आप उनके पोर्ट्स ले लेते हैं या जमीन ले लेते हैं। जी, आपने एकदम ठीक कहा। चाइना की डेट पॉलिसी, उनके ऋण देने की पॉलिसी कुछ बड़ी अजीब है। इनका इंटरेस्ट रेट सबसे हाई है। साइनोश्योर जो इनकी सरकारी एजेंसी है, उनका इंटरेस्ट रेट 6-7% रहता है। और चाइना ने आज तक पेरिस क्लब ऑफ डेटर्स, एक ये जो दुनिया के देश हैं, बड़े देश हैं जिन्होंने जो पैसा देते हैं, उनके एक क्लब ऐसा बना हुआ है, उसमें इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उसका कारण यही है कि उनकी पॉलिसीज में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो किसी भी नियम से बनना नहीं चाहते हैं और वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं। आप एक तरफ ऐसे समझ सकती हैं, चाइना की महत्वाकांक्षा है दुनिया का सबसे बड़ा महाजन, लेकिन वो एक ऐसा महाजन है जो बड़ा ही सूद की दर बड़ी ऊंची रखी है, और जहां तक विकासशील देशों की सहायता की बात है उसमें उनकी पॉलिसीज में वो भी बड़े ऊंचे सूद पे देते हैं। शायद लोगों को नहीं पता है, सीपेक जो हमारे बगल के पड़ोसी जो अपने को चाइना का बड़ा करीबी समझते हैं, उसमें चाइना उनसे 17% की दर पे डॉलर रेट्स पे रिटर्न्स मांग रहा है। तो इतने हाई रिटर्न्स जहां चाइना एक्सपेक्ट करता है अपनी पूंजी लगाने के लिए, उसका नतीजा सिर्फ यही होगा कि जो भी देश चाइनीज लोन लेंगे वो कभी उसके महाजन के चंगुल से निकल नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो ये कर्ज का जाल है जो बिछ रहा है और इसमें जाने अनजाने वो फंसते जा रहे हैं। लेकिन योगेश जी, इसी चीन पर अगर हम रहें, बात कर रहे हैं तो आगे, तो आज ये बताया गया कि पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता का दौर होगा यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ। कल वो तीन देशों के साथ उनकी हो चुकी है मुलाकात, यूएसए, मॉरिशस और बांग्लादेश, और कल जो है वो अन्य देशों के साथ मिलेंगे। कुल 15 देशों के नाम दिए गए जिनके साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता होनी है। लेकिन इसमें योगेश जी चीन का नाम नहीं है कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में जब भी वार्ताएं हुई हैं तो वो शी जिनफिंग के स्तर पर हुई है, वो नहीं आ रहे हैं, अपने प्रीमियर को उन्होंने भेजा है। इसमें भी आप कुछ एक कूटनीतिक तौर पर देखते हैं कि एक संदेश भारत देने का प्रयास कर रहा है? देखिए, जहां तक ये मीटिंग्स की बात है तो मीटिंग्स, तो पहली बात तो ये है कि जो कंसर्न हेड ऑफ द स्टेट है या कंट्री है उसका, वो रिक्वेस्ट करता है मीटिंग के लिए। तो मुझे नहीं मालूम कि जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ली क्यांग, इन्होंने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी या नहीं की थी। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी तो फिर तो मतलब मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जहां तक चाइना के रिप्रेजेंटेशन का मतलब है तो वैसे तो हम होस्ट है, हमारे लिए तो जो भी वो जिसको भी वो भेजे ठीक है, लेकिन कॉन्फ्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें खुद पर्सनली आते। उनके जहां तक नाने का मसला है तो उसके बारे में कई तरह के विचार रखे जा रहे हैं कि भाई वो नहीं शायद समझते थे कि उनको यहां आने से कुछ खास फायदा होगा, उनकी अमेरिका वगैरह के साथ कुछ खास उनसे उनको नई उम्मीद थी कि उस तरह की मीटिंग में उन्हें कुछ मिलेगा। थोड़ा सा वो रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आए तो वो शायद अलग थलग पड़ जाते। एक तरफ सब मुल्क, अधिकतर मुल्क अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना थोड़ा आइसोलेट हो जाता। तीसरा, भारत के साथ रिश्ते उनके खराब है, इस वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते। और चौथा, वो ये नहीं चाहते कि भाई ये G20 जो है वर्सेस जो एक्सपेंडेड ग्रुप्स है ब्रिक्स का, ब्रिक्स प्लस, उसमें जो है वो G20 को ज्यादा सफलता या ज्यादा रोल या ज्यादा हाई प्रोफाइल मिले। तो इस तरह की कई बातें रखी जा रही है। अब बहरहाल जहां तक हमारा मसला है, हम तो यही चाहेंगे एज ए होस्ट कि भाई चाइना जिस लेवल पे भी आया है वो एक कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एडॉप्ट करे और वो स्पॉइलर का जो है वो भूमिका ना निभाए,
तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं।